हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स वेल्थ ग्रुप। ये मेरा नाम शर्मा और आज मैं आपको मेरा चार्टिंग स्कैनर में वन ऑफ दिस चार्टिंग स्कैनर्स मैं दिखाऊंगा। उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलर्ट्स आते हैं और जब भी ब्रेकआउट आते हैं तो वो ब्रेकआउट का अलर्ट्स हम पाएंगे और दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। ठीक है, आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहिए। इसके लिए मैं पहले से ही आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, एक बात याद रखिए, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना 100% रिस्क है। इसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, सीख के ट्रेड करना बहुत ज़रूर है। ओके, ज़रूरी है कि इसलिए कि हम सब सीखेंगे और जानेंगे और तब जाके ट्रेड करेंगे। थैंक यू। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बैंक निफ्टी का अलर्ट और ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट में आपको जब भी ब्रेकआउट आती है तो हमको एक, मैंने इसको एक नंबर भी चाहिए हमको, कहाँ किस लेवल पे हमको ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो देखिए, मैं पिछले बैक टेस्ट में आपको दिखाता हूँ। ये 4 तारीख को जुलाई 4 को बैंक निफ्टी का 10 बजे ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, वो हमको ये पता नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन हमको एक नंबर की ज़रूरी है कि कहाँ से हम ये माने कि जाने कि कहाँ से ये ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे आएगी। तो इसलिए हम इसको अलर्ट को हमने एक यहाँ लिंक किए, तो उस लिंक में चार्टिंग में लिंक किए। तो 4 तारीख को ये देखिए, जुलाई 4 तारीख को, ये 4 तारीख का है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 तारीख का 7/4/24 और आपका अलर्ट था 10 बजे। ठीक है, 10 बजे जो अलर्ट आया तो वो 24,398.90 पैसे, 24,398.90 पैसे, ये निफ्टी का था। दोनों एक ही चार्ट में है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो हम चलते हैं उस डेट को, उस डेट पर चलेंगे, ये 4 तारीख का 10 बजे। मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें रखा है। ये 10 बजे आपका यह है, देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियरली दिखने के लिए, दिखाने के लिए मैं बड़ा किया। ये जो कैंडल है यह ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट या बैंक ब्रेकडाउन वो बाद में हम जानेंगे, पहले हमको अलर्ट जब आती है तो अलर्ट में हम यहां जो देखिए, इस पे ये 10 बजे जो अलर्ट आया 4 तारीख को, जुलाई 4, 24, ओके 10 बजे, क्या क्या प्राइस था? 24,398.90 पैसे, 24,398.90 पैसे, 24,398.90 पैसे। हमने यहाँ इसको डबल क्लिक करेंगे, 398.90 पैसे एग्जैक्टली वहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ये बड़ा कर देंगे। आप देखिए, इसके बाद अगर इसके बाद तीन मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल्स क्लोज होते हैं तब जाके हम उसमें बुलिश माना जाता है, तो बुलिश का ट्रेड लेंगे, यानी कॉल ऑप्शन लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो रेड कैंडल से वो हुआ तो हमको ये जानकारी हो जाएगी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी वहां से गिरने लगेगी। और ये गिर गई, वहां से अगर आप हम लेते हैं पुट ऑप्शन का, आप आराम से आपको अच्छा पैसा मिलता है, 24,299। ये यहाँ देखेंगे 24,399, यानी 24,400 वाला स्ट्राइक प्राइस पर हम चलेंगे निफ्टी का। 24,500 या 400 पे 24,400 पुट ऑप्शन वाला हम उस दिन का देखते हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी है, हमको वीकली एक्सपायरी है, इसलिए हमको पता नहीं है क्या हुआ क्या हुआ। कैंट शो दी बैक टेस्ट ऑफ दैट ऑप्शन, बट आप अगर किसी कोई वेबसाइट में अगर पिछले वाले दिखते हैं तो आप देख सकते हैं।
चलिए ऑप्शन में हम एक देख लेते हैं कि 24,400 का पुट ऑप्शन इस हफ्ते का भी देख लेते हैं, ठीक है। उस दिन क्या हुआ देखेंगे, ये रहा और डेट हमारा 4 तारीख देखते हैं। ये 4 तारीख 10 बजे हमारा टाइम था, 10 बजे ये टाइम 10 बजे, ये देखिए 10:03 पर हमको 10 बजे आया था। तो इस कैंडल का हाई उसी स्ट्राइक प्राइस पर, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पर, उस कैंडल का हाई जब ब्रेक करता है तो हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हमको ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दे दिया है। तो इसलिए 261 से कितना गया था उस दिन, अब देख सकते हैं 300, यानी 40 पॉइंट आपको मिला है, 40 पॉइंट उस दिन मिला है, यानी 40 पॉइंट यानी 1,000 रुपया आपको एक लॉट में यहाँ मिला। तो उस दिन देखते हैं, नेक्स्ट दिन भी वो ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, अगर होल्ड भी कर लेते तो 346 पे चला जाता, इसके नीचे आया कि नहीं देखते। देखिए यहाँ फिर से टच किया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, फिर से ऊपर गया, लेकिन उसके ऊपर हम एग्जिट हो गए, 40-50 पॉइंट लेके एग्जिट हो गए। ऐसे ही हर दिन हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं और उस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये निफ्टी, ठीक है, फिर से चलेंगे देखते हैं और कौन सा है। एक नया इंडिकेटर बनाया इसमें, जिसमें आपको निफ्टी का स्ट्राइक प्राइसेस भी मिल जाएंगे और इसमें आपको ऑप्शन वही चार्ट है छोटा सा, उसमें परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एलटीपी और स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेंगे। ये भी आपको बहुत अच्छा सा और बहुत उपयोग होगा आपको, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए तो मैं ये दे सकता हूँ, ठीक है। देख चलिए अभी 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 दूसरा देखते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर हमको बैंक निफ्टी पे आया। ये सब बैंक निफ्टी का है तो ये ठीक है। ये नेक्स्ट उसी तारीख उसी दिन मतलब 4 तारीख को बैंक निफ्टी का 10:33 पर हमको मिला। चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ, 10:33 पर सेम डेट। तो बैंक निफ्टी हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसका बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी एक ऐसे टाइप कर लेके 4 तारीख को, ये मिला, ये देखिए ब्रेकआउट 10:33 पर आपको ब्रेकआउट मिला है। इसका प्राइस था 53,028, चलिए 53,028 फोर्थ 4 तारीख का 10:35 पर, चलिए ये हमारा 23, 24 तो ये हमारा एक ब्रेकआउट अलर्ट था। इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए या इसका नंबर नोट कीजिए, कितना नंबर मिला है आपको। इसमें आपको मिला है 53,028, ठीक है 53,028 तो करीब उसी पे ये हमारा अलर्ट था। इस अलर्ट को अगर ब्रेक करता है तो रेड कैंडल अगर बनता है तो उसको पुट ऑप्शन लेंगे, अगर इसके ऊपर अगर कॉल ऑप्शन लेना है तो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना है तब जाके हम लेंगे कॉल ऑप्शन, ठीक है। उस दिन 4 तारीख को हमको एक पुट ऑप्शन की मौका मिला है और इसके बाद ये कॉल ऑप्शन भी मौका मिला है। अगर बार बार वो और एक भी आती है तो हम उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, वो भी मार्क करके हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी आया था उस दिन, उसके बाद 5 तारीख को आया निफ्टी, निफ्टी 8 तारीख को 2 बार, 9 तारीख को 1 बार, 2 बार निफ्टी आया, बैंक निफ्टी आया। जब भी ये आती है, रिसेंटली कल देखते हैं 19 तारीख को निफ्टी का जुलाई
19 तारीख को निफ्टी में कितने बजे आया था, 4948, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ अलर्ट आती है तो निफ्टी का कल हमको अलर्ट मिला है निफ्टी, हाँ ये बैंक निफ्टी था 10:12 पर 52,336, चलिए वो भी देख लेते हैं 53,236। आज का तारीख कल 19 तारीख था, 52,000 कौन सा टाइम था, टाइम वाज लाइक दिस या ये टाइम 10:12 पर 10:12 पर 10:12 पर ये देखते हैं 9:12 ओके ये यही इसका हाई है। तो हम उसका प्राइस क्या दिया है हम देख लेते हैं, प्राइस की ज़रूरी है हमको 52,336 कुछ ऐसे ओके। तो हमारा टाइम था 10:33 10:12 यानी इस कैंडल पे ये लेवल था, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रहा है तो कॉल ऑप्शन लेंगे, इसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो पुट ऑप्शन लेंगे ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आज का, आप देख सकते हैं इसके नीचे ही बहुत समय तक रहा, अगर और भी और थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा आप रिसर्च करना चाहते हो इसका हाई लो मार्क कीजिए, इसका क्लोज मार्क सकते हैं, जिस कैंडल पर आती है उस कैंडल को हाई मार्क करो और या तो उसका क्लोज और ओपन मार्क कीजिए। और इसके बाद देखिए वही हमारा ब्रेकआउट लेवल्स भी हो जाते हैं, आप देख सकते हैं उसी वही ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रेकआउट से आपको बहुत बढ़िया पता चलता है कि ये बैंक निफ्टी का लेवल है, यहाँ से अगर ऊपर गया है तो कॉल ऑप्शन लेंगे, इसके नीचे जब तक है तो तब तक हम वही लेंगे, क्या बोलते हैं लेट मी चेंज द कलर ओके। सो हम वही लेंगे, जैसे कि इसके अंदर है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे है तो पुट में रहेंगे, उसके ऊपर जाएगा तो कॉल में रहेंगे। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल जो है ये ब्रेकआउट लेवल को तोड़ नहीं पाया बैंक निफ्टी कल 19 तारीख को। तो जिस दिन भी जो भी अलर्ट्स आते हैं वो अलर्ट्स में बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा ले सकते हैं ठीक है। सो जिसको ये स्कैनर के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9492349492340656, ये रहा मेरा नंबर और इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जिसके पास क्या बोलते हैं वो हमारा जिसके पास ये है राइट व्हाट यू कॉल चैटिंग का स्कैनर का है सब्सक्रिप्शन, तो उनके लिए वो ये आसान है कि वो लोग इसमें काम कर सकते हैं आसान से ठीक है। दे विल गेट अलर्ट्स एंड वी गेट दी प्राइस ऑल्सो, सो नो वरीज, सो बी हैप्पी, एन्जॉय सैटरडे एंड संडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके बाय।